देखो ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी इंटीजर के लेट अल्फा सब के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाई सेवन प्लस आई टाइम साइन के पाई बाई सेवन वेयर आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन समेशन के इज इक्वल टू 1 to 12 मॉड ऑफ अल्फा के प्लस वन माइनस अल्फा सब के अपॉन के इज इक्वल टू 1 to 3 समेशन अल्फा फोर के माइनस वन माइनस फोर के माइनस टू एच। देखो अल्फा के को ऐसे लिख सकते हो, अल्फा के इज इक्वल टू लिख सकते हो e to the i k pi by 7, भाई e to the i theta को cos theta plus i sin theta के टर्म में लिखते हैं, तो ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा सब k plus 1 लिखो, is equal to e to the i k plus 1 pi by 7, which is equal to e to the i k pi by 7 times e to the i pi by 7। अब आप देखो e to the i k pi by 7 क्या है, अल्फा सब k, ठीक है, e to the i pi by 7, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, ये देखो ऊपर वाले को करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को, समेशन के के इज इक्वल टू 1 to 12 अल्फा सब के प्लस 1 क्या है, अल्फा के ई टू दी आई पाई बाई 7 माइनस माइनस में अल्फा सब के, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अल्फा सब के को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, समेशन के इज इक्वल टू 1 to 12 मॉड ऑफ अल्फा सब के मॉड ऑफ 1 माइनस ई टू दी आई पाई बाई 7, ठीक है, ठीक है, प्लस ये माइनस आएगा ऐसे, ठीक। अब मॉड ऑफ अल्फा सब के क्या आएगा, इसका अगर मॉड लें तो क्या आएगा, मॉड ऑफ अल्फा सब के 1 के बराबर, इसका इसका मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर है, ठीक है। तो आप देखो इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं, इसको फाइनली आप ऐसे सिंप्लीफाई करके बस लिख लो यहां से, समेशन के इज इक्वल टू 1 to 12 मॉड ऑफ ई टू दी आई पाई बाई 7 माइनस 1। ये देखो कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कोई कांस्टेंट ही तो आएगा, कोई बात नहीं। अब इससे लिखते हैं अल्फा सब 4 के माइनस 1 इज इक्वल टू, सीधे यहाँ जो अल्फा के लिखे हो यही 4 के माइनस 1 से सब्सटीट्यूट कर दो, ई टू दी आई 4 के माइनस 1 टू दी पावर पाई बाई 7 इज इक्वल टू ई टू दी आई 4 के पाई बाई 7 माइनस ई टू दी इंटू माइनस ई टू दी आई पाई बाई 7, ठीक। सिमिलरली अल्फा 4 अल्फा सब के 4 के माइनस 2 को क्या लिखोगे यहाँ से, ई टू दी आई 4 के पाई बाई 7 इंटू ई टू दी माइनस आई 2 पाई बाई 7, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, समेशन के इज इक्वल टू 1 to 3 मॉड ऑफ अल्फा सब 4 के माइनस 1 से, इसमें फैक्टर आउट क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई टू दी माइनस आई पाई बाई 7 मॉड टाइम्स, ये फैक्टर आउट आ जाएगा पूरा टर्म, ई टू दी आई 4 के पाई बाई 7 इंटू ई टू दी माइनस पाई बाई 7, ये मॉड। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आ जाएगा, ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा सब 4 के माइनस 1 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा सब 4 के माइनस 2 बनेगा। अब आप देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। आप इसे e to the i 4 के पाई बाई 7 का मैग्नीट्यूड निकालोगे और इसका निकालोगे, 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब आप देखो ये भी कांस्टेंट टर्म है, और जो ये टर्म लिखा हुआ है, जो ये टर्म लिखा हुआ है, आप इसमें से थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो समेशन k इक्वल टू 1 टू 3 मॉड ऑफ e टू दी आई पाई बाई 7 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ e टू दी आई पाई बाई 7, फिर ये e टू दी मॉड पाई बाई 7 तो 1 के बराबर हो गया। तो ये और ये वैल्यू देखो सेम है, ये आपस में रेशियो लेंगे कट जाएगा, ये टोटल कितने टाइम ये वैल्यू आएगा, ये आएगा 12 टाइम्स कोई भी वैल्यू लिख देते हैं v, और ये कितने टाइम्स वैल्यू आएगा, 3 टाइम्स v, क्योंकि तीन बार है, तीन बार ये समेशन होगा, एक बार दो बार तीन बार, k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 3 के लिए। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो 12 अपॉन 3 v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 4 आ गया।